जो भाई पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही आए घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी सबसे पहले मिलती रहती। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दागड़ किसान में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोई सी भी फसल हो उसमें जो पत्ते पीले पड़ते हैं उसके क्या कारण रहते हैं, उसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, या फिर कोई भी फसल हो। ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, यहाँ पर जो पत्ते देखिए, यहाँ पर जो इनका जो पत्तों का कलर है वो हरे से यहाँ पर कलर पीला पड़ गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि जो पत्ते पीले पड़ते हैं उसके पीछे कौन सा कारण होता है, क्या वो किसी इंसेक्ट के प्रकोप के कारण पीला पड़ता है, या फिर किसी दूसरी वजह से, या फिर किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से इसमें जो पत्ते में पीलापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही आए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रही है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें क्या कारण होता है इसके पीलेपन का। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लगाई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये प्लांट है, यहाँ पर जो पत्ते यहाँ पर पीले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम पीले कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस पे जो इनका पीलापन का कारण है दोस्तों, दो तीन कारण हो सकते हैं इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, दो तीन कारण हो सकते हैं। तो जो पहला कारण निकल कर आता है, क्योंकि जो इसमें सबसे पहले बात करें, अगर आपको ये देखना होगा इसमें जो लगाए हुए कितने दिन हुआ है प्लांट को और इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो दोस्तों उस वजह से भी जो पत्ते में जो होता है पीलापन आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, एनपीके वगैरह इनकी कमी की वजह से भी ये पीलापन आ सकता है। और दोस्तों सेकंड बात, हम दूसरी अगर हम बात करें इसकी कि जो ये पीलापन आता है, तो ये दूसरा उस वजह से भी आ सकता है दोस्तों, थ्रिप्स की वजह से आ सकता है। और जो रस चूसने वाले जो सफ़ेद मक्खी होती है, वाइट फ्लाइस होती है, उनकी वजह से जो रस चूस जाते हैं उस वजह से भी इनमें आपको पीलापन देखने को मिल सकता है। और ये दो तीन कारण हैं जिनसे जो आपके फसल में पीलापन देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके रोकने की, इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पीलेपन को, तो दोस्तों सबसे पहला अगर जो दिक्कत आती है सबसे बड़ी इसे कंट्रोल करने में, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो गया, अगर आपको हल्का हल्का है और अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो होगा, बाकी आपको जो ये फसल में ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, ज़्यादा पीलापन की वजह से जो प्लांट होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, यानी कि सूख जाएगा प्लांट। और इसके बाद हम इसे कंट्रोल करने की बात करें, तो दोस्तों अगर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो एनपीके 19:19 होता है उसका स्प्रे भी करना होगा और ड्रिंचिंग भी करनी होगी। और अगर किसी जो फर्टिलाइजर और दूसरे टॉनिक आते हैं उनसे भी ये ठीक हो सकता है। और सेकंड चीज़, अगर आपको ये देखना होगा कि खेत में उनमें अगर मच्छर, जो सफ़ेद मक्खी होती है, जो वाइट फ्लाइस होती है जिसे सफ़ेद मच्छर सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, अगर वो लगी हुई है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको उसमें किसी चीज़ का, उसे ख़त्म करने के लिए वाइट फ्लाइस को स्प्रे करना होगा दोस्तों, इससे ये पूरा ठीक हो जाएगा। और मेन जो पीलापन आता है बहुत सारी फसल में आता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी हुई, जैसे धनिया हुआ, इन बहुत सारी फसलों में पीलापन देखने को मिलता है। तो आप इसे एनपीके 19:19 का स्प्रे कर रहे, उससे भी आपको इसमें सुधार देखने को मिलेगा। और एक आप मैंने आपको बताया था अभी, उससे भी आपको जो है, आपको जो वाइट फ्लाइस उनकी वजह से अगर रस चूस के पत्ता पीला पड़ा है, तो उसके लिए आप कंट्रोल करने के लिए उसमें आता है एसीटामिपिरामिड, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हो। और इमिडाक्लोरोपीड आती है, वो भी जो प्लांट होता है उससे आपको पीलेपन से बचाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और आज की वीडियो हमने जाना था ये इसके बारे में, पत्ता पीला कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान।